Hello everyone, we all should set rules and follow them. Learn to stay focused. Develop self-discipline in life. Know strategies to deal with peer pressure. And never compare with others. Yes, rules do create boundaries. But at the same time, they are guidelines to keep us on correct track. So choice is yours. Either follow the rules or follow the fools. So let's know, why should we follow rules? Setting rules bring structure as well as stability. अब हम सोचेंगे कि ये नियम और सीमाएं जो लाइफ को डिसिप्लिन बनाते हैं, ये सब हम सबके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आज आप बच्चों को रूल्स फॉलो करना नहीं सिखाएंगे तो कल सिस्टम उनको जबरदस्ती रूल्स फॉलो करना सिखाएगा। हम सब यह भी जानते हैं कि जबरदस्ती कुछ भी सीखना बच्चों या बड़ों किसी को भी पसंद नहीं आता है। रूल्स आर नॉट फिक्स फॉर्मेट। हम अपने बच्चों की जिंदगी को किसी भी फिक्स फॉर्मेट में बांधना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली व्हेन वी फॉलो सर्टेन रूल्स एंड सेट लिमिट्स इट लीड्स टू अ डिसिप्लिन लाइफ एंड वी अंडरस्टैंड प्रॉपरली द डिसिप्लिन मीन्स फ्रीडम, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम लेजीनेस, आलस से छुटकारा, फ्रीडम फ्रॉम लेथार्जी, सुस्ती से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टेशन, हमें लोगों की उम्मीद से छुटकारा मिल जाता है, यानी हमारी खुद की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। वी ऑल्सो गेट फ्रीडम फ्रॉम डिमांड्स ऑफ अदर्स, वी डू गेट फ्रीडम फ्रॉम वीकनेस, हमारी दुर्बलता दूर हो जाती है, हमारा सारा डर और संदेह मिट जाता है, वी गेट फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डाउट। हम सब जानते हैं कि अगर बच्चे को अपना सपना यकीन में बदलना है तो क्या करना है। इस बात को हम लोग अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। As of now, due to pandemic, all schools and colleges are closed. आज के सिनेरियो में हम इस बात को ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। हम सब बच्चों के स्कूल कॉलेज खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो स्कूल की स्ट्रक्चर स्टडीज है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज है, वो बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है, जैसे समय से उठना, तैयार होना, हाइजीन मेंटेन करके स्कूल कॉलेज जाना, हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज स्टडीज, रेगुलर सिलेबस कवरेज, रिविजन, असेसमेंट, असाइनमेंट एंड सो ऑन। Even when child has to prepare for some competition, he or she has to dedicate, follow rules and fix number of hours put in to prepare and to finally excel in the event. This means that the rules, setting limits and discipline act as the bridge between goals and accomplishment. इसलिए अगर हम रूल फॉलो करें तो हम आसानी से किसी भी स्कूल, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री और सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। वी ऑल शुड फोकस ऑन वेयर वी वांट टू बी टुमारो, नॉट वेयर वी वर यस्टरडे और वेयर वी आर टुडे। सो लेट्स नो 3 सिंपल एंड बेस्ट वेज टू स्टे फोकस्ड while studying. Number 1. Never sit for studies immediately after your meals. Kam se kam 30 minutes ke baad hi padhai karne baithe. Immediately khane ke baad hum comfortable bilkul nahi hote. Hum tired aur drowsy feel karte hain. Isliye studies mein properly concentrate aur focus nahi kar sakte hain. If we need to sit for long hours, then it's good to eat smaller meals and snacks every few hours to keep up energy level. Yaad rahe, jab hum moderate amount mein khate hain, to hum aasani se padhai mein concentrate aur focus bhi kar paate hain aur high score achieve bhi karte hain. Dusri cheez hume yaad rakhni hai, You should have a right study environment to focus on your studies. A quiet, comfortable place with adequate lighting where you feel more alert, awake and focused. Jisse studies effective hongi aur aap jyada productive honge. To add on,
यू मे हैव सम मोटिवेटिंग पोस्टर्स इन योर स्टडी एरिया जो आपको इंस्पायर करें कुछ बड़ा कर गुजरने के लिए. याद रहे, लाइंग डाउन एंड स्टडिंग इट्स एन इनअप्रोप्रिएट पोजिशन एंड कैन रिजल्ट अ पुअर बॉडी पॉस्चर. अगर हम लेट कर पढ़ाई करते हैं तो हम ज़्यादा देर तक पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते और अक्सर बुक्स के साथ हमें नींद आ जाती है. इसको ऐसे समझते हैं जैसे अगर घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है, उसके लिए प्रॉपर प्लेस, डेकोरेशन, प्रिपरेशन किया जाता है. एग्जैक्टली, फोकस स्टडीज के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ स्टडी एनवायरनमेंट दैट फॉस्टर्स प्रोडक्टिविटी. तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, टर्न ऑफ योर फोन व्हाइल स्टडीइंग टू कीप योर फोकस. Smartphones makes our lives easier, but on the other hand, it ties us. Iske addiction ke physical effects ke saath saath psychological aur academic effects bhi hote hain. Agar aap social notification off karte hain, tab bhi distract hote hain kyunki dhyan phone mein hi hota hai. Brain is actively working to not pick up or use the phone. बेहतर होगा टर्न ऑफ योर स्मार्टफोन एंड कीप इट असाइड बिफोर यू सेटल डाउन फॉर योर स्टडीज. रिमेंबर, नो चीटिंग, ये आपकी भलाई के लिए है. अल्टीमेटली यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्टडी रूटीन ऑफ फोकस स्टडीइंग दैट सूट्स यू. आई एम श्योर दीज सिंपल वेज विल श्योरली हेल्प यू टू स्टे फोकस्ड एंड एनहांस योर प्रोडक्टिविटी. Next comes self-discipline. It is a magical power that helps us to conquer anything and everything we desire in this world. So, do you want to know more about self-discipline? Then let's check this out. Self-discipline is all about determination, willpower, self-regulation, एंड ऑफ कोर्स सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ डिसिप्लिन ही है जो हम सबको एक तरीका बताता है कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है और एक्सेल किया जा सकता है. कोई भी सेल्फ डिसिप्लिन के साथ पैदा नहीं होता. हम में से बहुत से लोग सोचते हैं लैक ऑफ विल पावर इज द बिगेस्ट बैरियर और विल पावर एनहेंस करने के लिए हमें बहुत सारा लेजर टाइम चाहिए. लेकिन यह सब गलत है. The only way to improve your self-discipline is through intentional and dedicated practice, whether in terms of your eating habits, fitness, study plan, or work ethics. It's only the self-discipline needed to accomplish goals, lead a healthy lifestyle, and ultimately to be happy. यानी हमें खुद को ट्रेन करना है एक सर्टेन कोड ऑफ बिहेवियर, हैबिट या रूल को एक रेगुलर पैटर्न में ओबे करने के लिए. वी ऑल नो दैट डिसिप्लिन इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग पीपल ओबे रूल्स और स्टैंडर्ड बिहेवियर एंड पनिशिंग देम व्हेन दे डू नॉट डू सो. लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन में हमें ना कोई दूसरा चेक करने वाला है और ना ही कोई पनिशमेंट देने वाला. You need to conquer yourself. It is your own ability to push yourself, stay motivated, and take action, regardless of how you are feeling physically or emotionally. ये रास्ता आपने intentionally choose किया है अपने betterment के लिए. हो सकता है रास्ते में distraction हो, problems हो, आपको अपना दिन रात लगाना पड़े. आपका मोटिवेशन, विल पावर आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी, योर हार्ड वर्क, बीइंग परसिस्टेंस इज ऑल योर्स टू फॉलो थ्रू योर इंटेंशंस. अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे, व्हाई आई नीड टू वर्क ऑन माय सेल्फ डिसिप्लिन? यू नो व्हाई? एज इट विल इम्प्रूव लर्निंग एंड श्योरली एनहांस योर परफॉर्मेंस. बच्चे अगर सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, दे आर मोर केयरफुल इन देयर डे टू डे वर्क एंड आर एबल टू रिटेन मोर नॉलेज विच इम्प्रूव्स देयर परफॉर्मेंस. और इन जर्नल, सेल्फ डिसिप्लिन हम सबको पुश करता है एक हाई क्वालिटी आउटपुट देने के लिए, इवन व्हेन वी डोंट फील लाइक.
It gives us some inner strength to stick with our goals. It also enables us to keep going through to great success, yani life ko controlled tarike se jeena sikhata hai. Self-discipline is like a muscle. The more you work on developing it and using it, the stronger it will become every time. Or iske strong hone se we are able to master our mind. हमारे दिमाग में जब सेल्फ डिसिप्लिन आता है तो हम ऐसे फेमस या एक्सपर्ट पर्सन के बारे में सोचते हैं जिसने सालों मेहनत करके अपनी एक पोजीशन बनाई होती है. लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन लोग हम जैसे ही कॉमन लोग होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली सेल्फ कंट्रोल डेवलप करते हैं अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए. वी नीड टू बिल्ड लास्टिंग सॉलिड सेल्फ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ. बहुत लोग इक्वेट करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन इज इक्वल टू गुड मॉरल लाइफ. लेकिन जब ये मॉरल लाइफ को हम कंटिन्यू नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं तो हमें बहुत शर्म आती है. मेनी सी सेल्फ डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ प्योर विल पावर, लेकिन यह भी फेल हो जाता है क्योंकि केवल टेम्पररली विल पावर हमें अपने गोल्स तक नहीं पहुंचा सकता. एक्चुअली वी डू व्हाट मेक्स अस फील गुड and we usually avoid what makes us feel bad. Let's say willpower bahut acha hai but we don't feel like or not interested. Then hum jaldi hi thak kar haar jate hain. Ultimately it results in self-destruction. Isliye hum wahi kar pate hain jo hame acha lagta hai chahe woh sahi ho ya galat. No doubt self-discipline gets a good support if we are determined, have strong willpower, are self-regulated and have good self-control, but actually it is based on self-acceptance. Yani jo aap chahate hain man se, jabardasti nahi. Hum apne aap ko accept nahi karte, apni weakness ko accept nahi karte. Hame dar lagta hai apni kamiyon ko jankar. I'm telling you, the day we stop feeling awful about ourselves, accept ourselves and our emotions, from that day we are going to work with them rather than against them. Ek baar jab hum apni weakness ke saath apne aap ko accept kar lete hain, then we are able to create situations which provides greater emotional benefits for doing the desired behavior. Aisa karne se hum bina efforts ke self-disciplined ho jate hain, क्योंकि अब हमें पर्पस समझ भी आता है, नजर भी आता है. हम उसे परस्यू करने लगते हैं, उससे भागते नहीं. हम इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड हैप्पी हो जाते हैं. आफ्टर ऑल वी ऑल नो दैट सेल्फ डिसिप्लिन इज द की टू रीच आवर गोल्स, और यकीनन हम सब में काबिलियत भी है. Before we talk about peer pressure, you all will agree if I'll say it's better to surround yourself with people who will lift you higher. Never ever get into pressure to fit in. Rather, it's better to know strategies to deal with negative peer pressure. First one is, say no. नहीं कहना सीखो. से नो ओनली वेन यू रियली मीन इट. नो शुड ऑलवेज मीन नो. नो शुडन मीन मे बी एंड इट्स ओके टू बी अनश्योर, बट वेन यू आर अनश्योर यू शुड बी प्रिपेयर टू से आई डोंट नो और मे बी और आई नीड टू थिंक अबाउट इट. एज सून एज यू आर अनकम्फर्टेबल इट इज इम्पोर्टेंट टू बी क्लियर एंड फर्म दैट द आंसर इज नो. इट इज नॉट अप फॉर नेगोशिएशन. Let's take one example. A girl tells her friend, "Chalo school skip karke movie dekhne chalte hain." So reply should be, "No, thanks. I'm not into it." Next very important one is body language. It's very important. Body language is also a big factor in what we communicate to others. Saying no while smiling could send mixed signals. No is more clearly communicated through body language. When you make eye contact and remain calm, sometimes the best strategy is just walk away. For example, a boy tells his friend, "You ever tried smoking?"
Girl remains calm and looks into her friend's eyes and says no and walks away. The third important strategy is give alternative. No one wants to be the odd one out. A helpful strategy is to offer alternatives. For example, a boy tells his friend, "Hey, let's see who drives fast. As rash driving on road is bad, here it will be better to say I'm pretty bad on roads, but surely check our timing during evening run or swimming." Very important strategy is to have your choice. When you make a choice that is right for you and stick with it, you learn to express your values. बहुत बार जो किसी एक के लिए ठीक होता है वही दूसरे के लिए ज्यादा हो जाता है. You need to have your own choice. It is up to you, not your friends, to decide what you value. Keep yourself safe and choose healthy values to follow. Following the rules can keep you out of trouble and focus on what is important. Very important next strategy is blame parents. Mama papa ke upar dal do. When all else fails, having an out to save face in front of friends can be an important resource. You can blame parents as a way to avoid pressure to do things they don't want to. For example, if a teen is pressured to drink alcohol, he might say, "No, I can't. My mom waits up for me and she'll know if I smell like alcohol. She doesn't like all this." And the last strategy is using code words. To get out of an awful situation, you can also have some code words between you and your parents. This strategy includes a preset agreement between parents and children. So when you use these code words, either parents come to rescue or they may demand to come home immediately depending on situation. This allows you to tell your friend, "Sorry guys, I gotta go. My dad is making me come home." हमें यह तो पता ही है, no two people are alike. Therefore, we should stop comparing ourselves with others. Do you know happiness is found only when we stop comparing? चलिए जानते हैं कैसे. हम सब के लाइफ में बहुत बड़ा एक giant monster है, जो हम सब के माइंड में बैठा हुआ है, जिसका नाम है कंपैरिजन. When small, comparison is among siblings, like fair, prettier, skinnier. In school, more comparative degrees add on, as comparison is among friends, like smarter, brighter, more sportive, more intelligent, and so on. सोचने बैठो तो लगता है या तो हम किसी लायक ही नहीं हैं. Sometimes you feel a sense of defeat. अरे हर जगह comparison, हर जगह हार ही हार है. I wish I had that talent. I wish I were gorgeous like her. कोई studies में अच्छा है, कोई singing में अच्छा है, कोई sports में अच्छा है, कोई लिखता अच्छा है, और ना जाने क्या क्या. लेकिन क्या मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है? So much of envy, jealousy, कड़वाहट पैदा हो जाती है जब हम औरों को अपने से अच्छा करते हुए देखते हैं. We all fight for perfection, battle for control, and ultimately fall into a pit of anxiety. फिर और बड़े होते हैं, दूसरे के स्टेटस, स्टाइल, एंजॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को देखकर और भी गुस्सा आता है. Therefore, someone has correctly quoted, "Comparison is the thief of joy." Sometimes, comparison do help. It inspires and also bring improvements. और कई बार इतना बुरा होता है कि हम अपने आप को हर बात में गलत समझने लगते हैं. Nowadays, our children are surrounded in a competitive world. अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं, तुम खुद को देखो और उस बच्चे को देखो, वह कितना अच्छा है. We all parents are mature. जब हम ऐसा कहते हैं
तो बच्चों के गलत काम से परेशान होकर कहते हैं, उन्हें सुधारने के लिए कहते हैं। But children are not mature enough to understand. They take it to the heart and lose their confidence. बच्चे हो या बड़े, हमें कभी भी किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग हैं। कंपैरिजन हमें वीक बनाता है। जब कंपैरिजन होता है, खुद की काबिलियत पर डाउट होने लगता है, दूसरों को अच्छा देखकर जलन होने लगती है, नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, गुस्सा आता है, लोगों पर से ट्रस्ट हट जाता है। जो कंपेयर करता है उससे रिलेशन खराब होने लगते हैं, टाइम वेस्ट होता है, हम दुखी होने लगते हैं। In simple words, by comparing yourself to others, you are holding yourself back. Now, if I simply tell you not to compare yourself with others, you will not understand. So today, we will learn how you can stop comparing yourself to others. तो सबसे first point हमें याद रखना है, be positive and happy with who you are. Remember, there is no such thing as the perfect life. No one is perfect. हम सबके रास्ते अलग अलग है। ड्रीम्स होने चाहिए, डिजायर्स होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। एक्सेप्ट योर प्रेजेंट एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई गंजा है तो किसी के बहुत ही सुंदर बाल हैं। इट्स ओके, जो आप बदल नहीं सकते उसे एक्सेप्ट करो। आप जैसे भी हो अपने को एक्सेप्ट करो, बट डू नॉट गिव अप। यू कैन मेक चेंजेस फॉर द फ्यूचर इफ यू डिजायर टू डू सो। जब आप पॉजिटिव होंगे तो रियलाइज करोगे कि आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा। फिर चाहे कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए, यू विल मूव ऑन एंड डील विद इट। फोकस ऑन योर ओन स्टोरी इंस्टेड ऑफ गेटिंग कॉट इन अदर्स लाइफ। Better think of your own journey. Second point, stop following the crowd. They are lost. जब से हम पैदा होते हैं, तब से ये प्रोग्रामिंग हो जाती है कि हमें वैसा ही करना है जैसे दूसरे कर रहे हैं। Normally this happens because not following the crowd would mean that all are against you. हमें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स की ओपिनियन की ज्यादा चिंता होने लगती है। We think like they did. We talk like they did. We walk like they did. Don't try to squeeze and fit where you do not belong. You'll never be comfortable. Showcase yourself by doing things differently and try something out of box. लोगों को फॉलो करना बहुत कॉमन बात है। स्पेशली हियर इन इंडिया यू टेक अ पाथ बिकॉज एवरीवन इज टेकिंग दैट पाथ। यू नो व्हेन यू डू सो यू आर सैक्रिफाइंग अ पार्ट ऑफ हु यू आर। थिंक ओवर इट, यू आर यूनिक, यू हैव समथिंग गुड इन यू। रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन बट डू व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू आर meant to do. Number 3, be confident. Some believe that confidence is something people are born with aur ye sikha nahi ja sakta. Aap jo bhi kaam karte hain wo apni kabiliyat ke anusar se karte hain. So never doubt yourself. When you do not doubt yourself, you gain confidence. Jab confidence aata hai, learning aati hai. लर्निंग है तो गुड जॉब, मनी, नेटवर्किंग एंड यू कैन अकम्प्लिश योर लाइफ गोल्स। पॉइंट नंबर 4, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड एंड प्रैक्टिस सेल्फ केयर। लव योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, नो योर लिमिटेशंस एंड नो योर सेल्फ। अगर आपकी कोई कमी है तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, Accept yourself.
Take care of your health, your body, your mind. जब कोई और प्रॉब्लम में होता है तो हम उसकी पूरी केयर लेते हैं. सिमिलरली जब आप खुद परेशान हो तो खुद से बात करो और अपने आप को समझाओ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. आई मीन सिट विद योरसेल्फ एंड स्पीक टू योरसेल्फ. योर ऑल प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व. बिलीव मी यू मे ट्राई इट आउट. पॉइंट नंबर 5, लुक एट योर अचीवमेंट एंड रिकॉर्ड देम. छोटी बड़ी सारी अचीवमेंट्स लिख डालो. इट कुड बी हिटिंग अ जिम, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हेल्पिंग समवन, फिनिशिंग अ प्रोजेक्ट, कंप्लीटिंग योर टास्क इन टाइम. राइट देम. इट रियली मैटर्स टू यू. फील प्राउड अबाउट इट. योर अचीवमेंट्स विल बी अ बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यू. रिमेंबर, there will always be someone more talented, intelligent, prettier, smarter, bubbly, or outgoing. Know your unique value. You are unique in this world. इस competitive world में comparison से दूर होना इतना आसान नहीं है. There are many bumpy roads, rough roads, moments of insecurity, but you may give a trial. Soon you'll be very clear about your unique talents, skills, and qualities. I hope you all would have benefited through this compilation video. Stay connected and always remember, don't give up, stay strong. Take care. Jai Hind!